वही समझ कर चारों तरफ से जंगल है, का मालूम कई किलोमीटर में जंगलो तो है। अरे यके कोनो पता नहीं है जंगल पे विजय लिखा हुआ, वहाँ पे विष्णु लिखा हुआ, सब बहुत सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए है। ये काफी खूबसूरत यहाँ पे समय माता का थान बनाया गया है, छोटा सा, देखिए आप देख सकते हैं। और सामने पीछे ये बरगद का पेड़। पे आज आया हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से ये जंगल है, जैसा कि आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं। बाबा जी बता रहे कि इस पेड़ पे के नीचे ना लोग पहले तपस्या करने आते। हाँ, ये शंकर जी का स्थान है, यहीं पे बाबा जी यहाँ पे बैठे रहते हैं। भैरव, काल भैरव का इधर पे एक वो बनाया गया मंदिर छोटा सा, जस्ट बगल में ये जगशाला है, इसमें हवन होता है जो कि इधर साइड में है। यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ पे रहने के लिए भी योगी आदित्यनाथ बाबा जो मुख्यमंत्री हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम और मैं आज आया हूँ ऐसे घने जंगल में। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यह है गजहड़ का पेड़ और काफी साल पुराना है, बहुत से क्या मालूम कितना साल पुराना। जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा आप पीछे से दिखाओ, यहाँ पे आप कैमरा मैन थोड़ा क्लोज आइए आप। यहाँ पे एक खास बात ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेड़ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी है सब अपना अपना नाम लिख के आते हैं, यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। देख सकते हो वहाँ पे राम चरण लिखा है, राम पूजन, यहाँ पे विजय लिखा हुआ, वहाँ पे विष्णु लिखा हुआ, सब बहुत सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है और यह है गजहर का पेड़ और आगे है एक खूबसूरत सा मंदिर, रहिया माता मंदिर। वो मैं बस बगल में ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप एक सेकंड रुकिए। और आगे ये देख सकते हैं, यहाँ पे धागा वगैरह बांधा गया, लोग अपनी मुरादे भी लेके आते हैं, जो आते हैं यहाँ पे धागा बांधते हैं, नाम लिखते हैं और मन्नतें मांगते हैं। गाइज, मुझे अभी एक चीज समझ में आया, बाबा जी बता दे कि इस पेड़ पे के नीचे ना लोग पहले तपस्या करने आते थे, जैसे पिक्चर में वो अमरेश पुरी एक पिक्चर में है ना, जानी दुश्मन में, वो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करता था। तो उसी तरह यहाँ पे आप, जैसे बारिश भी हो रही है, धूप भी है, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे नीचे ऐसे बैठ के लोग और ध्यान में लीन हो जाते इस तरह ऐसा बैठ के। तो तीन तीन खाई यहाँ पे बता रहे थे बाबा जी कि यहाँ पे बैठे थे। थोड़ा सा दूर से आप पेड़ को दिखा दो, बाकी यहाँ पे काफी सारा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे ये धागा बांधा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग अपनी मुराद लेके। और आगे मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सूखा कुआं होता है, अगर आपको इस मंदिर पे आना है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये चारों तरफ से जंगल है और बीच में ही मंदिर है। मैं और बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो जगह है, वो आपको इस मंदिर पे आना तो आप रनियापुर से आ सकते हैं। ये एक कुआं है, काफी पुराना कुआं है, खैर अभी पानी इसमें पीने लायक तो नहीं है, लेकिन ये काफी पुराना कुआं है, ईंटे से मालूम पड़ रहा है, ये ईंटा बहुत पुराना है। और यहाँ पे दो तीन नल लगे हुए जो कि सूखे पड़े हैं, वो सब बाकी यहाँ से अभी मैं ऊपर जाऊंगा तो सामने मंदिर आएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। ठीक, तो गाइज अभी मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे उसी रास्ते से, और ये देख सकते हैं मैं मंदिर के पास पहुँच गया हूँ। और मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे काफी मोटे मोटे ये बरगद का पेड़ है। मैं अभी यहाँ पे जो बाबा जी थे उनसे मैं पूछा था, ये काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ है, उनको खुद नहीं याद है। और ये जो कुआं है, ये बता रहे थे कि इस कुएं का क्या राज है, कितने साल का ये कुआं है, इसमें ईटा देखा जाए तो हमारे लोग के जमाने में तो हम देखे ही नहीं कभी। तो गाइस, ये जो कुआं है ना, ये काफ़ी प्राचीन कुआं है, याद भी नहीं 200 साल हो गया, 400 साल हो गया है, क्योंकि ईंटे से मालूम पड़ रहा है। अंदर एक बार देखने में डर लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो, मुझे काफ़ी नीचे पानी है, बहुत नीचे पानी, में डर रहा हूँ मोबाइल ना गिर जाए। और इसमें मालूम है खासियत ये है कि अगर ऐसा हमको लग रहा है कि अगर देखना झांकना हो तो रस्सी बांध के झांकना। हाँ, तभी। और यहाँ पे मैं आगे और दिखा देना चाहता हूँ, ये है वो बरगद का पेड़। अब गाइज मैं आ गया हूँ, ये देखो मंदिर के थोड़ा सा बाहर साइड, आप देख सकते हैं चित्र में सामने, ये यहाँ पे 40 साल अपनी जिंदगी का इसी जंगल में और इसी मंदिर पर अपना 40 साल गुजारे हैं। और इस जंगल के आसपास का देख रेख और जो पेड़ पौधे हैं और ये मंदिर का पूरा इन्हीं के ऊपर था, और इन्हीं के ये सुपुत्र हैं जो बाबा जी हैं जो आप अभी वीडियो में देखने वाले होंगे, इन्हीं के सुपुत्र हैं, और वो भी लगभग 12-13 साल से यहीं पर हैं। बाकी ये देखिए मंदिर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, यहाँ पे कुछ लिखा है जो कि आप पढ़ सकते हैं।
तो यही है मंदिर। बाकी यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शांत माहौल है। बाकी बाबा जी इधर बैठे हैं और ये इसी जंगल में 12-14 साल से यापन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, और यहीं पे इनका रहने का है। देख सकते हैं यहाँ पे खटिया, बिस्तरा और चूल्हा जो भी है, पानी, बर्तन, हर चीज़ यहीं पे है, और सामने मंदिर है। और ये यहाँ पे ये शंकर जी का स्थान है, यहीं पे बाबा जी यहाँ पे बैठे रहते हैं। आपको जैसे यहाँ अकेले रहते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब कोई चीज़ का? हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब अरे आशीर्वाद। हाँ बाघ आवत है यहाँ करीब में, लेकिन ये ना ही उठिन करीब है, यही है बोल बोल फिर चला जाइए। अच्छा बाघ यहाँ पे आवत है? हाँ बड़का वाला बाघ है। तो वैसे भी चारों तरफ से जंगल है, कहाँ मालूम कई किलोमीटर में जंगल हो तो है। अरे ये कौनो पता नहीं है जंगल की। बाकी खाना आप ही बनाते हैं? हाँ अपने हाथ है, हम भोजन बनाए। और सामान वामान? अब सामान जैसे भालापुर है, मतलब कोई लाके देता है या आप खुद जाते हैं? नहीं जैसे दाल चावल है ये तो सीधा आवा जाओ करते है, हमें नहीं हर एक पर। अब आओ जैसे साग सब्जी है, नून तेल है, घी है, कपूर है, अगरबत्ती है, ये सब तो लोही पर है। सोमवार और शनिवार को ज्यादा मतलब आते हैं लोग यहाँ पे, तो आप लोग टाइम निकाले दुखिया का यहाँ मुरान माता जी जरूर करत थी। और जो भी है दिक्कत आपको, आप जरूर आए यहाँ पे, माता जी जरूर उनकी मन्नत पूरी करेंगे, उनकी जो भी इच्छा है वो जरूर एक बार, तो एक बार जरूर आप आए। नवरात्र में यहाँ पंचमी के दिन नवमी के दिन ये अठन इतना हम ओढ़न होते है, किताब नहीं रहा था यहाँ। और बता रहे कि नवरात्र के दिन आप यहाँ पे काफी मूड़न होता है, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। वही दुखिया जी मान जात है, जेकरे पास नहीं कोई औलाद है वही यहाँ मान के जात है, वही माता जी पूरा करत है। हाँ तो आप समझ सकते हैं, तो यही है। बाकी मैं अभी आगे आप लोग बाबा जी थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से जो भी ठीक है। बाकी अच्छा लगा आपसे मिलके, और अकेले रहा तो वही चीज है कि और एक जने कोई रहा तो थोड़ा अच्छा रहा। उम्र भी आपको ही गए ना, अभी से बताओ तो कि पैर में तो रहा ले रहे, वो का हम हेरी थे ये थोड़ा रखे रहे ना, वो हरजन हो उसको हम चेला बनाए रहे, खाली यही रह कर दी। अच्छा लेकिन वो उतना उतना निचकट ही काम कही के गए, दुई बाजी यहाँ से चोरी कही के भाग गए। चलो गाइस, तो जैसा भी था बाकी बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगा, और ये काफी सारी चीजें यहाँ पे बताए जो कि आप लोगों को मैं पूरी चीज़ें नहीं बता पाया हूँ, उसके लिए हम माजरत चाहेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, यहाँ पे पीछे पेड़ के बारे में रहे, पीछे यहाँ के इनके जो पिताश्री थे वो भी यहाँ पे 45 साल यहाँ पे रहे हैं, उनका वो मंदिर भी मैं आपको दिखाया हूँ कि वहाँ पे उनका वो बना हुआ है वहाँ पे। बाकी चारों तरफ से दिखा दिया हूँ, थोड़ा बहुत पेड़ का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बाकी आपको और विस्तार से देखना है तो राइडर यूपी 47 पे आप जाके देख सकते हैं। और तो फिर बाबा जी आशीर्वाद, बस दुआ करिए ठीक है, याद रखिए दुआओं में। हमारा तो आशीर्वाद ये काम है भैया। चलिए बाबा जी ठीक है। यहाँ पे बनाया गया है कि जो लोग आए यहाँ पे बैठ सके, ये भी मतलब बनाया गया है, तो सुविधा अच्छा दिया गया है, साफ सफाई भी अच्छा है, शांत माहौल है। फिर यहाँ पे सामने यहाँ पे श्री भैरव काल भैरव का इधर पे एक वो बनाया गया मंदिर छोटा सा, ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है ये श्री काल भैरव जी का यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे दिया गया टेंपल। और इसी के जस्ट बगल में ये जगशाला है, इसमें हवन होता है जो कि इधर साइड में है, काफ़ी खूबसूरत इसको भी बनाया गया है। और इसके जस्ट पीछे में धर्मशाला भी बनाया गया, जो कि दिख रहा है कि नहीं मैं देख लूँ। हाँ इसी के जस्ट पीछे ना ये यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ पे रहने के लिए भी बनाया गया है। तो कोई अगर बाहर से आता है उसको अगर रात में रुकना पड़ जा रहा है, या किसी कोई भी आता है उसको अगर रुकना है कोई मसला है तो वहाँ पे रुक सकता है, इसलिए धर्मशाला भी है, जगशाला भी है, और इधर मंदिर का ये पूरा ये है। उधर पे नल भी लगा हुआ, मतलब पानी का भी सुविधा है, जो कि आपको आगे मैं दिखाया तो वो नल सूखा है तो आपको पानी यहीं पर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जनपद बदलामपुर के विधानसभा श्री क्षेत्र गैसड़ी में रहरिया बालापुर देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य सनादेव योगी आदित्यनाथ बाबा जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के फंड से इसका रिपेयर और जो भी है और इसको बेहतरीन बनाने की कोशिश किया गया है। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह सैलू के अंडर में था, वही इसको और अच्छा बनाए हैं। बाकी आप गाइस चारों तरफ देख सकते हैं
यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पेड़ है और ये जंगल है और बीच में ही सिर्फ इतना जगह खुला हुआ है, ये देख सकते हैं सामने नल, इधर वो छोटा सा वो मंदिर है और इधर बाबा जी। बाबा जी बता रहे थे कि ये जो सामने जो पेड़ है ये पेड़ काफ़ी पुराना, जैसा आप देख सकते हैं ऊपर, ये इस मंदिर के जस्ट बगल में, और इस पेड़ को एक बार काटने की कोशिश की गई थी तो बताया ये जा रहा था कि इस पेड़ के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मतलब जो काटने वाले आए थे वो इस पेड़ को छोड़ के सब लोग भाग गए, मतलब डर के मारे, तो ये पेड़ को फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया, जब से ये अभी तक ऐसे ही। और अंदर बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर पूरा खोखला है, देख लीजिए गाइस यही है। एक बार मैं इधर से भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग देख लो, और पीछे वहाँ पे मैं दिखाया था उस साइड में वहाँ पे कुआं नल वगैरह था, और मैं पहले वो साइड वहाँ पे जो शुरुआत में वो उधर से आया मैं, ठीक है गाइस। तो ये मैं आखिरी पल मैं निकलने वाला हूँ और आखिरी पल मैं बाबा से बाय बाय करना चाहता हूँ। और ये यहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था है, और बता रहे थे कि इनकी तबीयत भी थोड़ा नासाज रहती है, ये हो सकता है 2-3 दिन में इनको बलरामपुर जाना पड़े, यहाँ पे देखना भी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, आम वाम लगा है तो बंदर वगैरह भी आते हैं, और काफ़ी है कि यहाँ पे एक आदमी को होना मतलब ज़रूरी है, मस्ट है एकदम हमेशा रहना, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़। तो चलो बाबा जी, हाँ याद रखना ठीक है गाइज। मैं बोला कि आया हूँ तो आप लोग क्यों ना दिखा दो वीडियो, अगर लंबी हुई हो, आप लोग अगर अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, और हो सके तो लाइक और शेयर कर देना और लोगों को भी ये चीज़ मालूम पड़े, और वो लोग आए यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आए और माता जी का दर्शन करें, और काफ़ी अच्छा जगह भी है, आए थोड़ा सा जिनको थोड़ा सा शांति माहौल चाहिए वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और ज़रूर एक बार यहाँ पे घूमने आइए, ठीक है भाई, चलो बाय बाय, लव यू।